नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। इनका वजन 90 kg था और अब जब इन्होंने सक्सेस स्टोरी शेयर की है, इनका वजन 60 kg है। और इन्होंने सिर्फ ग्रैटिट्यूड जर्नल में लिखा था, जो ग्रैटिट्यूड जर्नल हमारी रेगुलर प्रैक्टिस में आता है ना, उसके अंदर इन्होंने लिखा था। और उसके अंदर वाह, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये सक्सेस स्टोरी पढ़ी, मुझे बड़ा मजा आया और मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी मच एक्साइटेड टू टेल यू, मेरा वेट अभी 60 kg हो गया है 90 kg से। मैं तो भूल ही गई थी मैनिफेस्ट करके कि मैंने अपना वेट को कम करना मैनिफेस्ट किया है। एक्चुअली मेरी कहानी शुरू होती है 1 साल पहले। मैंने आपका वीडियो देखा और ग्रैटिट्यूड जर्नल के अंदर लिख दिया कि मेरा वेट 60 kg है। और उसके बाद मैं रेगुलर बेसिस पर लिखने लगी और फिर धीरे धीरे करके वो वाली अफर्मेशन छूट गई। मैं अपने काम में बिजी हो गई, मैं ओवरवेट तो थी ही, इस वजह से लोगों का मजाक भी बनता रहता था, तो मैंने अपना थोड़ा थोड़ा सा डाइट पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। लेकिन ये मेरे दिमाग में नहीं था कि 60 kg मैंने वेट मैनिफेस्ट किया है। इसके बाद एक और मैजिक हुआ, मेरी बेस्ट फ्रेंड ने एक जिम में एनरोल किया जो हमारे घर के पास में ही है, और वहां पर बाय वन गेट वन का ऑफर था, तो उसने मेरा नाम डाल दिया। यानी कि मेरे पास में जिम की मेंबरशिप आ चुकी थी 1 साल की। अब वो और मैं जिम जाते, मेरा मन नहीं भी होता तब भी मेरी फ्रेंड मुझे जबरदस्ती खींच करके जिम ले जाती। अब ये कंडीशन है कि जिम करते करते, अच्छी डाइट को फॉलो करते करते मैं 60 kg तक आ गई। फिर एक दिन अपना ग्रैटिट्यूड जर्नल पुराना वाला निकाला जो कि भर गया था, और जो पहला पेज खुला उसके अंदर वही वाली एफर्मेशन थी जिसमें 60 kg वेट की मैंने एफर्मेशन लिखी थी। और आज ही मैं जब जिम से वेट चेक करके आई तो देखती क्या हूँ कि मेरा वेट अभी 60 kg हो गया है। हाँ, इस प्रोसेस में पूरा 1 ईयर लग गया मेरा, धीरे धीरे करके वेट अपने आप कम होना शुरू हुआ। और मैंने अपने डाइट को चेंज कर दिया था, वो तो मैंने तभी चेंज कर दिया था जब लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, और उसके साथ साथ जिम करने की वजह से हुआ या ये कि मेरा वेट कम होना शुरू हुआ। लेकिन बात सिर्फ वेट कम होने की नहीं है, वेट एग्जैक्टली 60 किलो की है, 60 kg की है, और वो सेम टू सेम वो वेट ही मैंने अपने ग्रैटिट्यूड में लिखा था। और आज ही वेट मैंने चेक किया और इत्तफाक से आज ही ग्रैटिट्यूड जर्नल भी सामने आ गया। इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील करने लगी और सोचा आपको सक्सेस स्टोरी लिख करके भेजूँ। ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा, जो लोग ओवर वेट हैं और जो लोग वेट कम करना चाहते हैं उनको मेरी ये सक्सेस स्टोरी ज़रूर इंस्पायर करेगी। मैंने कोई मेथड नहीं किया, मैंने सिर्फ ग्रैटिट्यूड जर्नल में लिख करके छोड़ा था, बस एक्शन लिए, वो भी मैनिफेस्टेशन का ना सोच करके लिए थे। थैंक यू। हाँ जी, तो मैनिफेस्टेशन का ना सोच के ही आपने तो 1 साल में ये कारनामा करके दिखा दिया। लेकिन अगर आप इसे मैनिफेस्टेशन का सोच के करते रहते तो फिर बहुत ज्यादा डेस्परेट होते। लेकिन मैनिफेस्टेशन का सोच करके भी आप इसे मैनिफेस्ट कर सकते थे अगर चाहते तो। लेकिन मजे की बात यह है कि वो चीज आपके दिमाग से ही निकल गई और आप चुपचाप अपनी फ्रेंड के, हाय ऐसी दोस्त होनी चाहिए यार जो जबरदस्ती उठा करके जिम ले जाए। मेरा खुद का कई बार वर्कआउट करने का मन नहीं करता, एकदम बोरियत सी लगने लगती है। मतलब इतने साल से मैं वर्कआउट्स ले रही हूँ, सिर्फ मैं जिम की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ऐसी हूँ मैं बोर हो जाती हूँ जल्दी। जैसे अगर मुझे 1 साल तक जिम जाना पड़े तो मैं जल्दी बोर हो जाऊँगी, तो मैं ना ऐसे स्विच करती रहती हूँ, जिम, योगा, कभी स्ट्रेचिंग, रनिंग, कभी साइकिलिंग, कभी रोड पे साइकिल किलोमीटर्स के किलोमीटर्स चलाने निकल गई। तो मेरा वैसा मेरा थोड़ा इंटरेस्ट बना रहता है कैलोरीज यू नो बर्न करने में। तो खैर, इनकी तो सहेली के लिए भी मैं कहूँगी कि प्यार है भाई ढेर सारा ऐसी सहेली को जो आपको जबरदस्ती उठा करके ले गई। इसके साथ साथ इन्होंने एक अच्छी डाइट बिना मैनिफेस्टेशन को ध्यान देते हुए एक्शन लेने शुरू कर दिए। बेसिकली मैनिफेस्टेशन की हम इसमें बात सिर्फ इतनी करेंगे कि इन्होंने अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल के अंदर एक लाइन लिखी थी और वो भूल गए, शांति से बस अपने एक्शन लेते रहे बिना ये सोचे कि वेट कब कम होगा क्या होगा। आज चेक किया, आज ही चेक किया, मतलब इन्होंने जब ये सक्सेस स्टोरी लिख के भेजी है, मेरे पास तो सक्सेस स्टोरी बहुत दिन पहले आ गई थी, जिस दिन चेक किया उस दिन 60 kg वेट है, उसी दिन इत्तफाक से जर्नल मिलता है और उस जर्नल का जो पहला पेज खुलता है उसमें 60 kg वाली अफर्मेशन ही लिखी हुई थी। तो ये कोई इत्तफाक तो नहीं है, यूनिवर्स जरूर मैसेज देते हैं। और ये मैसेज था उनके लिए कि देखो तुमने मैनिफेस्ट कर लिया है। मेरे सामने भी ऐसे मेरे बहुत सारे पुराने पेजेस खुल जाते हैं जहां पे मैं सोचती हूँ अरे ये तो घट गया, तो ये हो जाता है। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने ढेर सारा प्यार, ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल, टाटा।